हे गाइस, तो आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बनाते जो गर्म रखे। लेट्स गो। मैंने दो अंडे चढ़ा दिए बॉईल के लिए और मैं अब तैयार हो रही हूँ। प्याज को बारीक कट के चॉप, एकदम बारीक करना है, तो आप देख ही रहे हो। वैसे मुझे प्याज काटना आता नहीं है, बट मैं तब भी ट्राई कर रही हूँ कि एकदम छोटे छोटे, काफ़ी छोटे कट में ये कट जाए। इससे काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में, बड़ा बड़ा रहने से टेस्ट नहीं, मतलब टेस्ट लगता है बट थोड़ा मुंह में ना अच्छा लगना चाहिए, तो इसलिए मैं इसे काफ़ी छोटे कट में काट रही हूँ। साथ ही में अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन और जो हरी मिर्च होती है, तो मैं इसे भी काट के अब इसमें डालूँगी, इसलिए मैं इसे एकदम छोटी छोटी महीन काट रही हूँ। और मिर्च को भी मैं उसी तरह एकदम छोटी बारीक कटी हुई मैं काट दूँगी। और मेरे अंडे भी बॉयल हो चुके हैं, तो मैं अब इसे जल्द से जल्द छिल के इसे मैं दो टुकड़े में काट दूँगी। जैसे आप देख रहे हो कि मैं इसे कैसे काटूंगी, तो आप भी चाहे तो इसको इस टाइप से काट सकते हो, अदरवाइज आपको मर्जी जैसे काटे, बट इस टाइप से काटने में ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने तवा गर्म करने के लिए लगा दिया। अब इसमें ऐड किया मैंने बटर, बटर से ज़्यादा ही टेस्ट लगता है, इसलिए इसमें और कम लगे तो आप ऐड कर सकते हो बटर। इसे हल्के फ्राई करें, ज़्यादा एकदम फ्राई ना करें। ये जब गर्म हो जाएगी, मतलब हल्की पक जाएगी, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो आपने काटा है मिर्च और प्याज, साथ में लहसुन को हल्के फ्राई करेंगे। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड तो नहीं की है, बट आप इसमें गोलकी के पाउडर, ज़ीरा पाउडर और कुछ नमक हल्के से, और साथ में आप इसमें ऐड करिए चिकन मसाला। इसको एकदम हल्के में भूंजे, तेल डालने का ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स, जो आपने ऐड किया था उसी में। साथ में धनिया आपको अच्छा लगता है तो डालें, अदरवाइज स्किप कर दें। मैंने इसके ऊपर हल्के प्याज डाल दिया है जो थोड़े अच्छा लगे। ये होने के बाद आप इसके ऊपर सर्व कर दें। साथ में आपको अच्छा लगे तो इसमें आप धनिया पत्ता की चटनी भी ऐड कर सकते हो, मैंने स्किप कर दिया है। और ये बन के रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।